समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनकी पत्नी तथा बेटे के लिए 7 साल की सजा हुई है और तीनों अलग अलग जेल में हैं। आजम खां की जब जेल परिवर्तन हो रहा था तो उन्होंने इनकाउंटर का भी अपने आप को डर सताया। मेरी मौजूदगी बरेली के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में है, ये सैलानी देख सकते हैं तस्वीरों, ये पूरा जो है आप देख रहे हो तस्वीरों में ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। हमने सोचा कि आज हम यहाँ कुछ मुस्लिम भाईजानों से भी राय ले लें और उनकी क्या राय है, क्योंकि लगातार आजम खां पर शिकंजा कसा जा रहा है। अब जौहर यूनिवर्सिटी भी रडार पर है, मैं उनसे जानने की कोशिश भी करूंगा और उनकी राय ले लूंगा कि जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खां को लेकर मुस्लिम भाईजानों की क्या राय है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर यार खान है। जानना चाहेंगे आजम खां पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, उसको लेकर और इधर जौहर यूनिवर्सिटी भी रडार पर है, क्या सोचते हैं आप? नहीं, हमारा मानना यह है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है वो एक अलग चीज़ है, उसको अपना पर्सनल रखें, लेकिन जो एक एजुकेशन और शिक्षा के लिए हमारा जो इदारा एक बनाया गया है उस पर कोई वो नहीं होना चाहिए। एक तो वैसे ही शिक्षा का स्तर उत्तर प्रदेश का, पूरे अगर आप भारत में देखें तो एक दो राज्य जहाँ केजरीवाल जैसे लोगों की सरकार है वहाँ पर अगर छोड़ दें तो बाकी जगह निम्न स्तर पर है और लगातार धरातल में जाता हुआ है। ऐसे में अगर कोई एक यूनिवर्सिटी बनाता है और माइनॉरिटीज़ के लिए बनाता है तो एक अहम बात है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है वो अपनी जगह है, उसको अलग रखें, लेकिन शिक्षा के साथ में जो है खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये हमारा मानना है। क्या नाम है आपका, आपसे जानना? मेरा नाम शम्मू खान है और शिक्षा जो है वो चालू रहना चाहिए भाई साहब। अब आजम आग ऊपर वो कुछ भी करें वो तो राजनीतिक दबाव है, अपनी अपना अलग बात है, उन्होंने अपने सत्ता में उनके साथ किया था, अब वो उनके दोबारा क्या राजनीतिक दबाव है? वो तो कोर्ट का मामला था ना, कोर्ट तो अब यूपी के अंदर कोर्ट जैसी कोई चीज़ बची नहीं है, ठीक है, कहाँ बची बताओ, जिसको जहाँ दिल जा रही है बुलडोजर चल जा रही है, कोर्ट के आदेश है मत चलाओ लेकिन फिर भी चल लिया क्योंकि बाबा के आदेश है, तो प्रशासन भी दबाव मानता है इस बात को। आजम खां को जो ट्रोल करा जा रहा है वो उनके उनकी वजह से ही करा जा रहा है, कभी वो भी उन्होंने भी किया होगा, लेकिन जो शिक्षा है वो अगर शिक्षा लोगों को मिलेगी तो उससे लोग जागरूक होंगे और अच्छी एजुकेशन मिलेगी, पढ़ेंगे लिखेंगे तो डेवलप होगा, यूपी डेवलप होगा। और सरकार के लिए एक मतलब एक शेर मैं कहना चाहूँगा कि जिन शहरों में बारिश नहीं होती है वहाँ की फसलें ख़राब हो जाती हैं और जहाँ पर शिक्षा नहीं होती है वो नस्लें ख़राब हो जाती हैं, तो वही बात आ गई है आज कि यहाँ की नस्लें ख़राब हो रही हैं, नस्लों को सिर्फ लड़ाई और जहर घोला जा रहा है हिंदू मुसलमान का, वो ना घोल के एजुकेशन की तरफ बढ़ाया जाए, यही सबसे बेहतरीन बात होगी। और योगी जी से हमारा आग्रह है कि वो आजम खां के ऊपर जो भी मुकदमेदारी है वो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी को चालू कराएं, उसमें लोगों को पढ़ने का मौका मिले सभी लोगों को, बस यही हमारी एक मनोकामना आई होगी जी। आप बताइए आपकी क्या राय है? हमारी राय भी यही है कि भाई आप ये देखिए हिंदुस्तान के अंदर केरला बहुत अच्छी जगह है और लोग जहाँ केरला में जो लोग पढ़ रहे हैं जा रहे हैं, और हम गए दुबई गए एक बार तो केरला के लोग थे बड़ी तारीफ हुई, तो बोले हम इंडिया से हैं, तो जब आया यूपी का भी उसमें जिक्र आया तो हमने हिंदुस्तान में क्या है हम सब यूपी से पहुँचे हैं, तो बोले यूपी में पढ़ाई थोड़ी बहुत ही कम स्तर पर चल रही है, बाहर बंगलौर है केरला है इधर की बहुत ऊपर चल रही है। तो इस तरह से हमें भी अपने मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि हमारी यूपी को भी केरला से ऊपर लेकर जाए, शिक्षा के लिए केरला से ऊपर लेकर जाना चाहिए, हमारी उनसे गुजारिश है इस बात की। ये देखिए आजम खां साहब का जो भी है उसमें सबसे पहली बात तो किसी की अकल तस्लीम करती है, जो चार्ज आजम खां साहब पे लगाए गए हैं क्या वो तस्लीम करेगी किसी की अकल के, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताबें चोरी, तो ये सबसे बड़ी तो एक यह है कि एक वो मुस्लिम राजनीति के एक बहुत बड़े लीडर हैं और उसको ही दबाने के लिए उनके साथ ये सब करा जा रहा है। और रही बात उसकी के जौहर यूनिवर्सिटी की, तो वो आप यूपी गवर्नमेंट हो या इंडिया की गवर्नमेंट हो, वो चाहते ही नहीं है कि कोई भी शिक्षा का कोई इदारा बने और ख़ास तौर से ऐसा कोई इदारा जहाँ पे मुसलमान शिक्षा ले सके, तो वो तो उसके ओपनली उसके अगेंस्ट रहते हैं, तो इसी वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। और अब उसमें कुछ उनकी भी गलती है, उनको भी अखिलेश जैसे बेवकूफ़ इंसान को छोड़ के और किसी दानिश्वर शख्सियत के साथ आना चाहिए। आपने कहा अखिलेश को, क्या मुसलमानों का अखिलेश से मन हट गया है? बिल्कुल हट गया है। क्यों, वजह क्या है? वजह यह है कि वो वोट तो मुसलमानों से लेते हैं और जो चेहरा है वो हिंदुत्व का दिखाते हैं।
अच्छा, इस कंपैरिजन में हिस्सेदारी कम है अखिलेश के, मतलब लगातार इस तरह से जितना वोट शेयर मुसलमानों का समाजवादी पार्टी को है उसके हिसाब से राजनीतिक जो हिस्सेदारी है वो ना पार्टी में है ना प्रशासन में, अगर वो रहे या शासन में कह लीजिए। एक तो वो मुसलमानों की कोई भी बात कभी कहीं रखते ही नहीं है अखिलेश जी। जी आजम खान के साथ इतने कांड हुए वो कभी नहीं आए, एक बार भी आप आए हो कोई धरना प्रदर्शन कुछ करा हो तो बता दें कि हाँ भाई हमने ये करा। जबकि समाजवादी पार्टी में जो इनका दायरा था आजम खान साहब का वो डिप्टी सीएम माना जाता था, वही चीज तो समाजवादी पार्टी के लोगों को बुरी लग रही है ना कि एक मुसलमान डिप्टी सीएम ये कैसे बर्दाश्त हो जाएगा। आप इस बात पे पेट्रोल के रेट बढ़ने पे अखिलेश यादव सड़कों पे धरना देते हुए नजर आ रहे थे, उनके कार्यकर्ता डंडे खा रहे थे वहाँ पे। और जब आजम खान की बात आई, जब उनको जेल हुई, इतना सब कुछ उनके साथ हुआ, उनकी वाइफ के साथ हुआ, उनकी तबीयत खराब हुई, कोरोना तक हो गया उन्हें, हालत बुरी हो गई, तब अखिलेश खाली ट्वीट ट्वीट खेल रहे थे। खाली ट्विटर पे आप बोल देंगे वो काम हो जाएगा, आपके पूरी पार्टी को चलाने वाला 90% मुसलमानों का वोट दिलवाने वाला कौन है? आजम खान ही तो है, वरना आपने ऐसा कौन सा काम करा है? जो आज 111 विधायक हैं वो 90 सीटें, और उनके लिए अगर कोई बोला है तो हिंदुस्तान में अकेला एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने उनके लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाई आजम खान के लिए, बाकी कोई दूसरा नहीं था, ना उनकी पार्टी का, ना किसी गैर पार्टी का, ना कांग्रेस का, जो आजम खान के लिए कोई आवाज उठाता। अरे अब दूर मत जाओ, आप माननीय हमारे इस क्षेत्र के प्रॉपर रहने वाले माननीय शाजिल इस्लाम विधायक जी, उनका पेट्रोल पंप टूट गया तो उन्होंने एक बार भी उनकी पार्टी ने या किसी ने भी कोई धरना कोई प्रदर्शन डर के मारे ऐसे भाग गए कि बस पूछो मत, और बोले तो वो उन्हीं के खातिर हैं, पार्टी में तो थे, पार्टी के लिए तो बोले, तो उनका फर्ज नहीं बनता था कि वहाँ आके उनके हेल्प करें? क्या मतलब बनता फिर, हम ऐसी पार्टी में क्यों जाएंगे जहाँ पर हम पिटते रहें मरते रहें और हमारे कोई आवाज़ तक उठाने वाला ना हो? वो पार्टी कौन सी होगी? वो पार्टी हमारी अभी हम ये सन 2024 से पहले ही इजहार करेंगे कौन सी जी। अच्छा चाचा आप बताइए, लगातार आजम खान को लेकर सिकंजा जौहर यूनिवर्सिटी भी रडार पर है, आपकी क्या सोच है? ये बच्चे कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, ये जो बच्चे के लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इन्हीं की बात का जवाब सही है बस जी। ये बच्चे कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, आप बताइए जी क्या बताना है? ये बताइए आजम खान पर लगातार रडार पर है, आप जौहर यूनिवर्सिटी है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए आजम खान तो मजलूम है, बात समाजवादी पार्टी से नहीं है। आजम खां ने अगर कोई गलत काम किया, अगर कानून उसको सजा देता है तो हमें कबूल है, लेकिन ये जो छुटभैये नेता जो हैं वो आजम खां के बारे में जो टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये तमाम सवाल जौहर यूनिवर्सिटी को लेके, जौहर यूनिवर्सिटी अगर कोई आजम खां में कोई गलती है तो आप उसको सुधार करिए, और जौहर यूनिवर्सिटी के लिए मैं योगी सरकार से चाहता हूँ कि वो उसकी तरक्की के लिए काम करें, यूनिवर्सिटी को और उनसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी से ज़्यादा इतना काम करके दिखाएं कि लोग कहेंगे हाँ कि जौहर यूनिवर्सिटी अब सही मानदंड में आई है, हम ये चाहते हैं। तो देख सकते तमाम जो भाई जानता का साफ तौर पर कहना है कि आजम खान ने जो किया उसकी सजा कोर्ट द्वारा मिली है और जौहर यूनिवर्सिटी को वसाया जाए। उधर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अखिलेश जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र मुस्लिम के जो लोग हैं उनका अब मन हट चुका है, 2024 के चुनाव से पहले भी कोई दूसरी पार्टी को चुनने की तैयारी में है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव यादव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।